अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपके लिए आज हम बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग ये वीडियो आप देख सकते हैं। एक माचिस को किस तरीके से बनाया जाता है वो सब आप इस वीडियो में मुकम्मल एंड मिस नहीं करना है। आपने देखना है एक माचिस को बनाने में कितनी दिक्कत और दुश्वारी आती है। और ये एक फैक्ट्री है माचिस की, तीली बनाने वाली कंपनी है। और ये जंगल से ढेरों लकड़ियाँ पहले जमा करते हैं, स्टॉक करते हैं। स्टॉक करने के बाद इस तरीके से फिर इसको एक पॉइंट इसको कट किया जाता है। फिर इस पॉइंट को ये देखें जिस तरीके से ये एक ये बुगदे के सहारे इसको इसके ये छिलके को हटा रहा है। तो ये देखें बहुत मुश्किल काम है। और अभी इसको इधर यहाँ पर ग्राइंड करेंगे और इसके इस तरीके से इसका अगला पार्ट शुरू हो चुका है। ये पर्तल इसके जमा करेंगे, काफ़ी सारी शीट की नुमा ये जमा होते जाएंगे। और काफ़ी दिक्कत और दुश्वारी आती है इसमें। जेंट्स भी काम करते हैं और मेल फीमेल दोनों मिलकर काम करते हैं। और ये देखें आप, ये पूरा यहाँ पर पॉइंट है, ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं आपके सामने इसको लाया जा रहा है। और ये बहुत मुश्किल काम है। तो आपको पूरा हम दिखाएंगे, वीडियो मुकम्मल देखना, मिस नहीं करना। इस तरीके से ये आपके सामने ये आ चुका अगला थर्ड पॉइंट पर। यहाँ पर इसको इसके बारीक बारीक इस तरह के से ये देखें बन रही हैं तीलियाँ बन रही हैं। और इनको फिर तीलियों को भी इसके बाद वाले पार्ट्स में आगे जाने पर अलग अलग किया जाता है। उसका तरीक़ाकार भी आपको दिखाएंगे। अभी आप ये देख ले, अभी ये देखो ये जमा हो गई हैं। और इसको एक बास्केट में अभी उठाया और ये अभी लेकर जाएंगे अगले मराहिल पर। और ये अभी ये जा रहे हैं लेकर, अभी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये जी ये अभी इसको सुखाएंगे। ये अभी ऐसा गीला है सारा, इसमें नमी है। और ये अभी इसको ऐसे धूप में हवा, और ये अभी ये इसको अलग अलग अभी सूख चुकी हैं और इसको अभी अलग अलग किया जा रहा है। ये तीलियाँ हैं, ये देखें माचिस की तीलियाँ जो आप घरों में अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इतनी मेहनत और दिक्कत के बाद आप तक पहुँचती है। ये अभी इसके अभी अलग अलग वहाँ पर अलग हो जाएंगे। जो कारामद होगी वो आपके इसमें अलग किया जाएगा, जो कारामद नहीं है वो ज़ाया हो जाएगी, उसको फिर स्क्रैच बना दिया जाता है। अभी ये देखें किस तरीके से कितने अंदाज से इनको वो उसमें ये जा रही हैं तीलियाँ और ये बन रहा है। ये प्रोसीजर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो आप ये देखते जाएं, देखें बड़ा इसका एक निज़ाम है। और ये बन रही हैं और ये आगे की तरफ रवाना हो चुकी हैं और ये अगले मराहिल पर ये आ चुकी हैं और पहुंच चुकी हैं। ये इसका जो ऊपर मसाला जो बनाया जाता है ये